हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स का कैलकुलस का जो हम इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट थ्री। तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड में आपने देखा है, ये हमारा उसका थर्ड पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम उसके ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, जिसमें मैं सिस्टमेटिक आपको बताया फोर टाइप्स, जिसमें सबसे पहले था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, जो हमने इसके पहले वाले पार्ट में कंप्लीट किया। देखिए, कोई भी क्लास को यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बिगिनिंग से एंड तक आप कंप्लीट करिए। जैसे आज का जो मेरा क्लास है वो जिस कॉन्सेप्ट पर है, तो आप पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक कंटिन्यूअस उसको देखें तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो आज मैं उसके सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप को, चारों मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, सेकंड मैंने बताया था वेरिएबल सेपरेबल मतलब चरों का पृथककरण, और तीसरा मैंने बताया था होमोजीनियस समघाती, और चौथा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एक क्लास में हर पर प्रोवाइड कराऊंगा आपको, कहीं पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन रहा तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मतलब चरों का पृथककरण। तो चरों का पृथककरण बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैटर्न है ये, पैटर्न वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। सेकंड पैटर्न डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब हिंदी में अपन कहेंगे चर पृथककरण। चरों का पृथककरण करना, वेरिएबल को सेपरेट करना। वेरिएबल को सेपरेट करना मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है, जो गिवन फंक्शन है उसमें हम वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं अपने पास, एक एक्स और एक वाई। तो पूरे एक्स को एक साइड में और पूरे वाई को दूसरे साइड में, किसी भी साइड में अपन सेपरेट कर लेते हैं। जनरली हम y को लेफ्ट साइड में और x को y को लेफ्ट साइड में और x को राइट साइड में अपन सेपरेट करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हेल्प से अपन सॉल्व करते हैं कि फिर किस तरह से हम इसको, मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन ही सब कुछ है, क्वेश्चन सॉल्व किए तो सब क्लियर हो जाता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। सब जनरली मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन को ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करता हूँ और इसका पर्पस आपको मैं बता चुका हूँ मैं ऐसा क्यों करता हूँ। देखो, आज का मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ आपको वेरिएबल सेपरेबल के मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर x और y का वेरिएबल है, तो x और y के वेरिएबल को आप एक एक साइड में सेपरेट करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। आपको सीधा दिख रहा है कि ये dy है, ये y है, इसको इधर ले आए तो इधर आके हो जाएगा ये dy वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी एक्स, उधर ट्रांसफ़र करें तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और dx। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होगा, ठीक है, धीरे धीरे, आपको तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लंबे समय से मैथ्स पढ़ रहे हैं मुझसे, इजी से डिफ़िकल्ट। सबसे पहले मैं इजी क्वेश्चन लेता हूं और उस दिन के लेक्चर का जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होता है वो उस क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, ये आपको मालूम है, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। ऑफलाइन क्लास में भी जनरली मेरा प्रोसेस यही होता है कि अपन ईजी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ईजी से धीरे 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 डिफिकल्ट की तरफ जाता है, चीज़ें समझ में आती हैं और वो सब्जेक्ट से भागता नहीं, उसको डर नहीं लगता। इसलिए हर क्वेश्चन ग्रेजुअली, आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड की ओर जाता है। इसलिए आप लोग को मेरा हमेशा एक सजेशन है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखो तो शुरू से लास्ट तक पूरे कंसंट्रेशन से ऑफलाइन क्लास की तरह देखो। 10 मिनट देख लिया, फिर छोड़ दिया, फिर बाद में देखा, फिर 20 का क्वेश्चन देखा, फिर अचानक 4 दिन बाद देखें, ये तरीका नहीं है। भले ही यह ऑनलाइन क्लास है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसको एज ए ऑफलाइन क्लास उसको यूज़ करिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन क्लास में एक टीचर आपके सामने है। और मेरी तो पूरी फीलिंग होती है, भले मैं कैमरे से बात करता हूँ लेकिन मेरी पूरी फीलिंग होती है कि मेरे क्लास में पूरे बच्चे मेरे ऑफलाइन के बैठे हैं, बड़ा बड़ा बैच होता है मेरा ऑफलाइन के क्लास में, ये मेरी फीलिंग होती है। लंबे समय का आदत भी ऑफलाइन में बच्चों से बात करने का।
तो मैं मुझे लगता है कि आप सब मेरे सामने बैठे हैं, आपकी भी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि सर हमारे सामने खड़े और पढ़ा रहे हैं, ओके। तो रियल आपको फीलिंग आएगा उसका, और फिर आप चीज़ों को उसी तरह से समझ सकेंगे। तो आप ब्रेक मत करिए, आप कभी भी वीडियो में ब्रेक मत करिए, आप उसको कंटिन्यूअस, आपके पास टाइम नहीं है बाद में देख लो, लेकिन उसको पार्ट पार्ट में नहीं है। जनरली हम 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, कभी लंबा हो गया तो 1 आवर का मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उतने देर तक स्टूडेंट सिंगल सिटिंग में पढ़ के स्टडी कर सकता है, ओके। तो आप कंटिन्यूअस देखो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए, तो ये हमने dy और dx को सेपरेट कर लिया, एक लाइन में सेपरेट हो गया। कभी कभी सेपरेट करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में सेपरेट हो गया। जैसा ही ये सेपरेट होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। नाउ इंटीग्रेट, समाकलन करने पर, ठीक है, नाउ इंटीग्रेट, समाकलन करने पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये होगा। दैट इंप्लाइज, अब आप लेफ्ट साइड को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dy 1 अपॉन x स्क्वायर, किसका फार्मूला है, टेन इन्वर्स का फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स y, टेन इन्वर्स का फार्मूला है, ये सब तो आपको याद है, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3, और प्लस एक कांस्टेंट अपन ऐड करेंगे प्लस c, और आगे इसको सॉल्व और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि आगे y के साथ ये फंक्शन टेन इन्वर्स कलेक्ट है, ज़्यादा होगा तो y इक्वल टू उधर ले जाके टेन उतना लिख सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में अपन आंसर लिखते हैं, ओके। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, और एग्जाम में इस लेवल का भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 मार्क्स का भी, 4 मार्क्स का भी, 5 मार्क्स का, और यदि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि कई बोर्ड में है, CBSE बोर्ड में 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं, तो वहाँ पर 6 मार्क्स के लायक भी क्वेश्चन है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर 1 मार्क्स से लेकर आर्डर और डिग्री निकालना 1 मार्क्स का आता है, तो 1 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन के हर वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये 2 मार्क्स के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ओके। तो क्लियर हो गया होगा ये, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पूरे क्वेश्चन करने के बाद आपको और कोई परेशानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है log dy/dx, हर वेराइटी का क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ मैं स्पेशली आपके लिए। log dy/dx इक्वल टू log dy/dx इक्वल टू ax plus by। देखो ये कैसा क्वेश्चन है, अब मैंने यहाँ पर log का क्वेश्चन ले लिया, मैंने यहाँ पर आपके लिए log का क्वेश्चन ले लिया, ताकि स्टूडेंट को यहाँ पर पता चले कि log वाला क्वेश्चन हो तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको एक फार्मूला पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और इसको आप लिख के रखना, उसके बाद मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूंगा। हमको पता है कि यदि log x = y हो, कई बार मैं बता चुका लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ न्यू स्टूडेंट रहते हैं। इफ़ log x = y, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को यदि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, मतलब उसको चरघातांकी फलन में हम चेंज करें, तो देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x = e^y, ऐसा लिखा जाता है। देन ये आपको पता है, नहीं पता है तो नोट करके रखो इसको, ओके। तो log x = y हो तो x = यहाँ पर e^y ना, एक धोखे से लिख लेता हूँ मैं समझाने के चक्कर में, ध्यान रखना। तो x = e^y इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, या ऐसा हो तो log x = इस तरह से लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल सीरीज के फॉर्म में। इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करें तो कैसे लिखा जा सकता है, देखो तब हम इसको लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू, अब यह हो जाएगा e^ में, क्योंकि यह वाई के फॉर्म में है, तो e^ हो जाएगा ax + by। वो फार्मूला मैंने कैसे यूज़ किया समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये पूरा वाई के फॉर्म में है और ये log के फॉर्म में है। अब देखो इसके बाद हमको वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो दैट इम्प्लाइज हम यहाँ पर क्या करें, इसके बाद हम उसको x और y को अलग करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, dy/dx इक्वल, इसको लिख सकते हैं e^ax,
और इनटू e टू दी पावर बी वाई, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो प्लस को हम इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू होगा तो दोनों सम हो जाएगा। क्लियर? दैट इम्प्लाइज अब हम यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, वाई को इधर भेज दें तो ये अपान में चला आएगा, तो डी वाई अपान ई टू दी पावर बी वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर यहाँ तक? ये तो मैं हटा दूँगा, ये आप लिख लेना ये। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, देखो नाउ इंटीग्रेट दैट इम्प्लाइज, एक बार और इसको सिस्टमेटिक कर लें अपन, इसको पावर को ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल e टू दी पावर ए एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। दैट इम्प्लाइज अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस बी वाई और अपान हो जाएगा माइनस बी, इसके कोफिशियंट का इसमें डिवाइड होगा, दैट इक्वल यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स अपान ए और प्लस सी, प्लस सी माइनस सी कुछ भी लिख सकते हैं अपन। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस बी वाई, बी उधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, यहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा माइनस बी e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए और ए माइनस बी सी। ठीक है, आंसर देखते हैं किस फॉर्म में दिया है, e टू दी पावर माइनस बी वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए e टू दी पावर ए एक्स माइनस बी सी, ये आंसर है। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, जैसे इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं, इसको कुछ नहीं कर सकते, तो y के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में रखो, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, इस इम्पॉर्टेंट स्टेप को आप वॉच करना, यदि स्टूडेंट इसको लाग से नहीं हटा पाया तो यहाँ पर फिर इसको बनाना मुश्किल हो जाता है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया e टू दी पावर माइनस बी वाई माइनस इक्वल टू माइनस बी ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ तक क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करें, तो वेरिएबल सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, देखो दैट इम्प्लाइज यहाँ तो वेरिएबल एकदम से अलग अलग है, इसको नीचे ले आए तो हो जाएगा डी वाई अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? दैट इम्प्लाइज ये तो बहुत आसान है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ से आपको क्लियर है कि किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स का, तो सीधा हो जाएगा ये साइन इनवर्स वाई इक्वल टू वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि पूरा जो वैल्यू है यदि एक फॉर्म में हो तो कांस्टेंट को भी हम उसी फॉर्म में लिखते हैं, मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन इनवर्स सी, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व करना थोड़ा सा, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आया है अभी, ये आगे सिंप्लीफाई फॉर्म में होगा, इनवर्स यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ध्यान देना, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखना जरूरी है क्योंकि सब पूरे फंक्शन साइन इनवर्स के फॉर्म में है। चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा और इक्वल टू साइन इनवर्स सी को राइट साइड में रहने दो, क्योंकि यहाँ पर अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से सॉल्व होगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है,
इसका फार्मूला होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लेना आप अच्छे से, बहुत पहले पढ़ा है आपने, अब पूरा रिवीजन का टाइम आ गया। साइन इन्वर्स ये हो जाएगा साइन इन्वर्स वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से होता है वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स सी। ओके देखिए ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना, इस तरह से फार्मूला साइन इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला होता है, साइन इन्वर्स वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स वाई, यदि साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई होता तो यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर होता, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको लर्न करके याद रखना है। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ से देखो, यहाँ भी साइन इन्वर्स वहाँ भी साइन इन्वर्स, दोनों साइन से साइन इन्वर्स आप हटा सकते हो, तो हो जाएगा वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, दिस इज द फाइनल आंसर। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। y रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा। ओके तो इस तरीके से हमको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन नए वेराइटी पर लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अलग टाइप का, फिर दूसरा लॉग वाला, फिर तीसरा साइन इन्वर्स वाला, मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन कराता हूँ लेकिन वो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके हो, माने मेरा एक क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार करे, ये मेरी कोशिश होती है। क्लियर? तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और बहुत से बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स, हालांकि आपको रिपीट क्वेश्चन जैसे लगेगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया है, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ज़्यादा कुछ और मैटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंटीग्रेशन तो एक लाइन का होता है, जैसे यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, अभी बनाया बस वैसी क्वेश्चन, उसमें रूट था, ये भी रूट का है बिना रूट का, तो ये हो जाएगा और ये इधर जाके हो गया डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, टेन का फार्मूला है, ये हो जाएगा टेन इन्वर्स वाई, इन्वर्स डिग्री का बहुत यूज होता है ना इसमें, और ये हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स और प्लस, अब यहाँ पर लिखोगे क्या, टेन इन्वर्स सी, ये कांस्टेंट को ध्यान रखना, बिल्कुल अभी बताया वैसे ही क्वेश्चन है, वो साइन में था ये टेन में था, टेन में है। दैट इम्प्लाइज इधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा टेन इन्वर्स वाई माइनस टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टेन इन्वर्स सी, दैट इम्प्लाइज अब ये टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई के फॉर्म में आ गया, ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई, और इसका फार्मूला होगा टेन इन्वर्स वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा टेन इन्वर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई, इस फार्मूला के फॉर्म में हो जाएगा और राइट साइड में वही रहेगा, दैट इक्वल टू टेन इन्वर्स सी, दोनों तरफ से टेन को हटा दो तो यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी, दिस इज द फाइनल आंसर, वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई, इस फॉर्म में आएगा, ये इसका आंसर है। ओके तो हो गया इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर? इतना क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन वाई, sec स्क्वायर एक्स इंटू होगा स्क्वायर इंटू टेन वाई,
इंटू टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, टेन एक्स इंटू डी वाई, पहले वाले में डी एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, ओके ये डी एक्स और डी वाई होगा, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, ये डी वाई डी वाई ये डी एक्स। देखो देखने से ही आपको लग रहा होगा कि बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आप वाच करो, सेक स्क्वायर एक्स का टेन वाई के साथ में रिलेशन है और सेक स्क्वायर वाई का टेन एक्स के साथ में रिलेशन है, ऐसा क्या है इसमें, देखो दो लाइन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर टेन वाई है इसलिए वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पर टेन एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, तो हमको कुछ नहीं करना है, पहला काम तो हमको वेरिएबल सेपरेट करना है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करने वाले टॉपिक में देखो मैं आपको पार्ट पार्ट पर स्पेशल पैटर्न पर इसलिए मैं बिल्कुल मिसलेनियस टाइप का पढ़ा देता, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन आप पूरा घूम जाते हो, तो मैं एक पार्ट को लिया सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन, लास्ट में हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब सब टॉपिक को हम पढ़ लेंगे तो जानेंगे कैसे कि कौन सा पैटर्न है, वो प्रैक्टिस से याद आ जाता है, क्वेश्चन खुद अपने आप को बताता है कि भाई मैं इस पैटर्न पर हूँ, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस टाइप के जिनको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, उनको हम रिड्यूस करते हैं पहले, रिड्यूसिबल, जैसे इसमें तो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी कुछ क्वेश्चन में है जो स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आज, उसमें आपको रिड्यूस करना पड़ेगा उसको। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लें अपन, दैट इम्प्लाइज पहले तो उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये होगा दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर देखो ये डी वाई है इसको तो यहीं रहने दो, तो ये होगा टेन वाई डी वाई, और अपान में इधर का वाई वाले को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इक्वल माइनस वहीं रहने दो, और ये होगा कितना मज़ेदार क्वेश्चन है आपको दो लाइन के बाद पता चलेगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका समाकलन मज़ेदार है, क्लियर, अब क्या है नाउ इंटीग्रेट, समाकलन करने पर जरूर लिखना, नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेशन, आप एक बार इस लाइन को लिखना जरूरी है, डी वाई अपन सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस टेन एक्स, अब जिसको अच्छा कमांड है इंटीग्रेशन में उनको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिनको अच्छा कमांड है उनको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, दिखना चाहिए ये जो अभी मैं पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग फंक्शन ऑफ एक्स, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, पिछले क्लास में आपको मैंने इसका एक क्वेश्चन इस पर कराया था याद होगा, और इंटीग्रेशन में तो बहुत एप्लीकेशन है इसका, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेशनल फॉर्म में कोई दो फंक्शन हो जिसमें जो डिनोमिनेटर में मतलब इसके हर में जो फंक्शन है उस हर के फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन कहाँ हो, अंश में हो, इसका डिफरेंशिएशन ये है एफ डैश एक्स है तो लॉग फंक्शन ऑफ एक्स होता है, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये आपको पता है, और इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर अप्लाई करके देखो तो आपको पता चलेगा ये सेक स्क्वायर एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब वाई का टेन वाई होता है और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूरा पूरा किस फॉर्म में है, इसको उल्टा लिख दिया मैं लगता है क्योंकि टेन का सेक स्क्वायर होगा ना, क्वेश्चन को ही गलत लिख दिया क्या शुरू से मैंने, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स डी वाई, अरे क्या मैं भी तभी सोच रहा हूँ पूरा उल्टा हो गया, पहले सही लिखा था इसको मैं कहाँ से उल्टा लिख लिया, यहाँ डी एक्स होगा टेन वाई डी एक्स, वो तो पूरा गलत हो गया ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ से आएगा, ये तो इसका होता है, चलो छोड़ो बिगनिंग से बनाता हूँ इसको मैं,
बिगनिंग से बनाता हूँ, बिगनिंग से क्या बनाऊँ, डी एक्स डी वाई, बोला कुछ और लिया लिखा लिख और पूछ दिया लगता है मेरे को, यहाँ पर डी एक्स होगा, बोला कुछ और था लिख कुछ और दिया, ये डी एक्स होगा। एक गलत करने से पूरा देखो, ये डी एक्स वो डी वाई, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया। अब यहाँ पर यही करेक्ट कर देता हूँ मैं, चलो देखो दोबारा वेरिएबल सेपरेट करो, ये डी एक्स होगा वो डी वाई होगा, तो किधर को किधर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर भी मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ, वाई को जनरली हमको लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, तो ये वाले पोर्शन को मैं उधर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई, इसको उधर ट्रांसफ़र कर, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स, ये होगा। दैट इम्प्लाइज अब सेपरेट करो, तो इधर इधर रहने दो इसको, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपान इसको भेजो, ये ठीक उल्टा हो गया था, टेन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस यहाँ पर रहेगा सेक स्क्वायर एक्स अपान ये टेन एक्स नीचे जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स, ये छोटे से भूल के कारण वो पूरा एडजस्टमेंट गड़बड़ हो गया। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डी वाई, दो दो बार डी वाई किस खुशी में लिख लिया मैं यहां पर, अपन टेन वाई इक्वल माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पर देखो, स्क्वायर वाला ऊपर रहेगा तब तो होगा ना, क्योंकि हमको मालूम है टेन वाई का डिफ्रेंशिएशन ये होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज़ करें, बाकी आपको बता चुका था, समझा चुका था मैं उसको, अब ये हटा दूँ मैं यहाँ से, तो हो जाएगा दैट इम्प्लाइज, बस यहीं पर इंटीग्रेशन को पहचानना है। ये इस क्वेश्चन का खासियत है कि क्वेश्चन इतना बड़ा देखने के बाद लगता है कैसे बनेगा, लेकिन वेरिएबल सेपरेट करने के बाद, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपको दिखने लगेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग, ये हो गया लॉग और टेन वाई, लॉग टेन वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग टेन एक्स, लॉग टेन एक्स और प्लस यहाँ पर फिर लॉग सी लिखोगे आप, क्योंकि सब लॉग लॉग में है तो लॉग सी लिखोगे, ठीक है। अब इस लॉग को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो दैट इम्प्लाई इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस होने पर दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, इनटू, तो एक बार लिख देता हूँ, लॉग टेन वाई प्लस लॉग टेन एक्स इक्वल टू लॉग सी, दैट इम्प्लाइज लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है, तो लॉग ये हो जाएगा टेन वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू लॉग सी, दोनों तरफ से लॉग हटा दें तो हो जाएगा टेन वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू सी, टेन वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू सी, किस फॉर्म में आंसर आता है इसको, टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू सी, ठीक है। आगे और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू सी, ये इसका आंसर है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ ये अभी तक मैंने देखा बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत से स्टेट बोर्ड में सीबीएसई में कई बार आ चुका है, तो यह क्वेश्चन जनरली जो क्वेश्चन कई एग्जाम में आते रहते हैं वो यहाँ से वहाँ रिपीट होते रहते हैं, और वो क्वेश्चन आते ही इसलिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ नहीं, पहली बार में मैंने ये गलत लिख लिया था, इसे दोबारा इसको करना पड़ गया, थोड़ा सावधानी से लिखना, सुधारा था जरूर, शुरू में सुधारा था, उल्टा सुधार दिया उसको, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तक ये जितना क्वेश्चन मैं आपको बताया, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल को सेपरेट करने पर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वेरिएबल सेपरेट शुरू से नहीं हो पाते, तो पहले उनको वेरिएबल सेपरेबल बनाना पड़ता है,
मतलब वेरिएबल को सेपरेट करने के फॉर्म में लाना पड़ता है। और ये होते हैं थोड़ा दिक्कत वाले क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको एक दो करा रहा हूँ और उससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, यहाँ पर तो वेरिएबल सीधा सीधा सेपरेट था एक तरह से, बस हमको उसको एडजस्ट करना होता था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ उसमें आपको वेरिएबल सीधा सीधा सेपरेट नहीं दिखेगा। ओके, और ये क्वेश्चन है हमारा पहला dy/dx इक्वल टू, बहुत फेमस क्वेश्चन ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी तरह के क्वेश्चन को मिसलेनियस टाइप के ज़्यादा तैयार करना है। 1+e^(x - y) ये क्वेश्चन है हमारा, dy/dx = 1+e^(x - y). अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि ये x माइनस वाई को आप यहाँ से अलग करके सेपरेट कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो, क्योंकि e के पावर में है और उसके साथ में प्लस वन है, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करना कठिन होता है, लगभग मुश्किल होता है या कई जगह हो ही नहीं पाता। तब इसके लिए क्या किया जाता है, मेथड को ध्यान से समझना। तब ऐसे कंडीशन में ये जो पावर है उस पावर को हम एक नया वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, और ध्यान रखना उसको हम रखते हैं नाउ पुट x माइनस वाई इक्वल टू वी। इसको हम एक नया वेरिएबल सपोज कर लेते हैं कि सपोज क्या है, x माइनस वाई वी है, क्लियर। इसके बाद चूंकि हमारा क्वेश्चन dy/dx के फॉर्म में है लेकिन हम वेरिएबल को वी ले रहे हैं, तो हमको वहाँ पर dv/dx के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हो जाएगा 1-dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dv/dx। कहने का मतलब यहाँ से हम निकालेंगे dy/dx का वैल्यू, तो dy/dx को मैं उधर भेज दूँ dy/dx, तो ये इधर ट्रांसफ़र होके 1- हो जाएगा dv/dx। इस तरह से ये जो dy/dx का वैल्यू आया है, इस dy/dx के वैल्यू को अब अपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में पुटअप करना है। तो नाउ तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो अब dy/dx का वैल्यू हो जाएगा 1-dv/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1+e^(x - y), और ये x माइनस वाई को हमने क्या सपोज किया है, v, तो e^(v). अब यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना आसान हो जाएगा। तो अपन वेरिएबल को अब यहाँ पर सेपरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, उसको इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, या 1-1 तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, 1-1 के साथ में कैंसिल आउट हो गया, तो -dv/dx इक्वल टू हो जाएगा e^(v). दैट इम्प्लाइज इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो dv/e^(v) हो जाएगा, और उधर चला जाएगा dx, जिसको मैंने माइनस को उसके साथ में लिख दिया, किसी के साथ भी लिख सकते हो आप इस तरह से। दैट इम्प्लाइज इसको उधर ले जाओ तो e^(v) dv = -dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे अपन, नाउ इंटीग्रेट। अब जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो e^(-v) dv = हो जाएगा -dx। दैट इम्प्लाइज इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -e^(v), सामने माइनस हो जाएगा e^(v) का, और इक्वल टू -x + c। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो e^(-v). तो माइनस अब v का वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि वैल्यू को हमको बाद में रखना पड़ेगा, तो x - y = -x + c। अब इसके बाद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये इसका आंसर होगा, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इम्प्लाइज तो e^(y) ये हो जाएगा y - x = -x + c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसके प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सी के सी को प्लस लिखो माइनस लिखो कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा e^(y - x) = x + c या -x + c। इसके चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में माइनस करूंगा वही हो जाएगा। ओके, या पहले से ही आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस इधर ट्रांसफर कर दोगे तो पहले से ही प्लस हो जाएगा, वो कोई दिक्कत इसमें। क्लियर, तो यहाँ पर नई बात क्या आपने सीखा, ये इसको भी सपोज करना। अब एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं इसी पैटर्न का, जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद फिर आप इस पैटर्न के क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे। चलो देखो, सब्स्टिट्यूशन के बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का लेता हूं मैं, और यह थोड़ा से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
dy by dx equal to cos x plus y, dy by dx equal to cos x plus y, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो कैसे पहचान लेते हैं अपन क्वेश्चन को, कि वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। अब cos x plus y से x y को कहाँ से हटाओगे आप, फार्मूला भी लगा दो cos x plus y को, तो cos x cos y और माइनस sin x sin y आ जाएगा। फिर कैसे करोगे, x के साथ तो y तो लगा ही रहेगा, उसके साथ चिपका रहेगा, उससे अलग होगा ही नहीं, कुछ भी कर डालो। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन प्रश्नों को आप स्पेशल प्रिपरेशन करना। ओके, तो यहाँ पर भी उसी प्रोसेस पर चलेंगे अपन, क्या करेंगे, नाउ पुट x प्लस वाई इक्वल टू वी, दैट इम्प्लाइज, अब x प्लस वाई इक्वल टू वी को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बाकी तो आप समझ गए, एक क्वेश्चन करने के बाद कोई दिक्कत रहता नहीं है। ये हो गया डी वी वाई डी एक्स, देयर फोर यहाँ से हम डी वाई वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, उधर जाके माइनस वन हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम वहाँ पर पुट अप कर देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन बिकम्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू, ये हो गया कास वी, कास वी, क्योंकि एक्स प्लस वाई को हम क्या पुट कर देंगे, वी पुट अप कर देंगे। दैट इम्प्लाइज, अब आगे इसको हम सॉल्व करें, तो डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा वन प्लस कास वी। दैट इम्प्लाइज, अब उसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो डी वी अपॉन वन प्लस कास भी इक्वल टू हो गया dx। अब आगे हमको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कास भी को क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें, तो 1 प्लस कास भी को 2 कास स्क्वायर वी बाई टू लिख सकते हैं। तो पहले वही लिख लें, 2 कास स्क्वायर वी बाई टू ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx, क्लियर। अब इसको हम sec स्क्वायर लिख लें, दैट इम्प्लाइज 1 अपॉइंट 2 को बाहर कर दो, और ऊपर जाके ये हो जाएगा sec स्क्वायर वी डी वी इक्वल टू डी एक्स। मतलब सिंपल करके हमको लगभग उस फॉर्म में ले जाना है जहाँ पर उसको प्रॉपर क्या किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके, ये वी बाई टू है ना। तो अब इसको sec स्क्वायर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अब करो इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेट। सबसे पहले इतना उसको सिंपल कर दो कि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए, तो 1 अपॉइंट 2 इंटीग्रेशन आप sec स्क्वायर वी बाई टू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। दैट इम्प्लाइज, अब इंटीग्रेशन यहाँ पर सावधानी से करना, 1 अपॉइंट 2 और sec का हो जाएगा 10 वी बाई टू, और वी बाई टू का अगर डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड होगा, 1 बाई टू हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी। दैट इम्प्लाइज, ये दोनों 1 बाई टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 10 वी बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। दैट इम्प्लाइज 10, अब यहाँ पर आपको वैल्यू को पुट अप करना पड़ेगा, किसका, v का, जो कि x प्लस वाई है, तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद और सॉल्व ये नहीं हो सकता। 10x plus y by 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको जो लास्ट में बताया है ना, जनरली आपको बोलता हूँ कि मैं लास्ट के मेरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस वाई को वी सपोज किया, और क्वेश्चन को पूरा वी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर भी वी के फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद, और यहाँ पर भी देखो पूरा वी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो आज के टॉपिक में मैंने जो आपको पढ़ाया, वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथककरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरों के पृथककरण के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, और मैं समझता हूँ कि आज मैंने इतने क्वेश्चन आपको करा दिए, इजी से लेकर डिफिकल्ट तक, कि और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इन प्रश्नों के हेल्प से उनको बना सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपको लेके आऊँगा मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, समघाती अवकल समीकरण। तब तक आप इसका बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और मैथ्स को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।